एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी। सो गाइस, आज मैं आपको लीफ बनाना सिखाऊंगी, वो भी पेपर से। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, या तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पेपर लिया क्योंकि पेपर अभी तक मेरे घर में मौजूद था। तो हमने पेपर को लेकर पहले हाफ साइड में कट कर लेना है। इस तरीके से हमने पहले इसको कट कर लेना है, इसको कट कर लेना है बहुत आसानी से। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। आप लोग जितनी मर्जी दफ़ा इसको कर सकते हैं, ज़्यादा से स्ट्रॉज बनाने हैं हमने पेपर के। तो अब हमने कोई भी, या तो आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं या कोई भी, लेकिन मैं ब्रश होगा हमारा जो पेंट ब्रश है ना, उसके पीछे वाली साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी, ताकि ये बहुत इजीली बारीक से ना रोल हो जाए। तो हमने रोल करने के बाद इसको निकाल लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल कर लेना है ऐसे। तो गाइस, कुछ हमने इस तरीके से पेपर को रोल करते जाना है। पेपर आपने रोल करना है तो बिल्कुल वो बारीक हो। अगर आपका पेपर ख़राब, रोल ख़राब होते जा रहा है, तो आप इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा भी खोल सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। आलस नहीं दिखाने आपने। तो अब हमने ग्लू की मदद से इसको स्टिक कर देना अच्छे तरीके से, ताकि ये दोबारा खुले ना। सो गाइज, एक बनाने के बाद हमने बहुत सारे पेपर के स्ट्रॉज बना लिए हैं। अब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अब हमने वो करना है। अब हमने एक पेपर लेकर उस पर लीव का स्ट्रक्चर सब ड्रा करना है, ताकि हम अपने स्ट्रॉज उन पर चिपका सकें अच्छे तरीके से। हमने इसको ड्रा कर लेना है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद इसको कट करना है, अच्छे तरीके से कट करना है, ताकि इसको अच्छे तरीके से स्टिक होते जाए। तो अब हमने इन्हीं में से एक स्ट्रॉ को उठाकर इस पर स्टिक कर देना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। तो हम इसको स्टिक करने के लिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको स्टिक कर देना, ताकि दोबारा उतरे ना। उसे थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है। अब हमने एक एक करके हर स्ट्रॉ को यहाँ पर स्टिक करते जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने हर स्ट्रॉ को यहाँ पे करते जाना है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने हर स्ट्रॉ को यहाँ पे करते जाना है। अब हमने हर स्ट्रॉ को इसी तरीके से इस पर स्टिक करते जाना है बारी बारी। और याद रखना, हमने स्ट्रॉ पे भी ग्लू स्टिक। गाइस, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल बनाएंगे। आपको ये कैसा लग रहा है? अब हम इसके साथ का प्लांटर भी कल आपको बनाना सिखाऊंगी। ओके बाय। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। ओके बाय।